सीबीआई में जांच चल रही है, सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो, सीबीआई सोमवार तक कर ले, चार दिन तो बहुत होते हैं, जांच कर ले, अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले, और गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफी मांग ले। And they are also alleging that there are direct links of this said individual Amit Arora with the people in the excise policy as well as excise. तो करें फिर करें, गिरफ्तार करें, ये sources से sting से, मतलब आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि शराब घोटाला क्या है। पहले बोले जी 1.5 लाख करोड़ का, इनका एक नेता बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे होगा। एक और नेता बोले जी 8,000 करोड़ का घोटाला है, तीसरा नेता बोले जी 1100 करोड़ का घोटाला है, एलजी साहब बोले जी 144 करोड़ का घोटाला है, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि 1 करोड़ का घोटाला है, और अंत में जब मनीष जी के यहाँ जब इन्होंने रेड मारी तो एक पैसा भी नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला, उनके गाँव होके आ गए, गाँव में सारा गाँव वालों से पूछा भी मनीष ने कोई जमीन वगैरह तो नहीं खरीद, कुछ नहीं मिला, तो घोटाला है क्या। बेसिकली मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी, इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना, ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा। आप स्कूलों की बात करो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखते हो, हमारी 95% प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉजिटिव चीजों के ऊपर होती है। कि अभी मैं जा रहा हूं एक स्कूल के बच्चों को, हमारे 1100 के करीब बच्चे जो है वो नीट और जेई के पेपर उन्होंने क्लियर किए हैं, बड़े बहुत बड़ी बात है। स्कूलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है इंजीनियरिंग के मेडिकल के पेपर पास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे अच्छा काम करो ना, पॉजिटिव काम करो, जबरदस्ती सबको दुखी कर रखा है इन्होंने। किसकी बात करती रही है? कर ले, ही इज फ्री टू डू इट, इसमें हम क्या टिप्पणी करें। उन सिविल सर्वेंट्स को ये भी लिखना चाहिए कि गुजरात में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, गुजरात में जहरीली शराब से कई लोग मर गए, गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्केल पे ड्रग्स का इंपोर्ट हो रहा है, इनके बारे में भी उनको चिंता करनी चाहिए।